Assalamu alaikum. I'm Hina. How are you? Hope you will be fine. So, friend, if you are new in my channel, kindly subscribe my channel so that my every upcoming video can reach you easily and free. Let's begin our lesson. Adjective is se. safe. अब ये इसमें सिफ्त क्या है ठीक है किसी चीज शख्स या किसी जगह की तारीफ करने को इसमें सिफ्त कहते हैं ठीक है समझ आ गई अ वर्ड और वर्ड्स डेट शोज क्वालिटी ऑफ अ पर्सन थिंग एंड प्लेस लफ्स या अल्फाज जो किसी जगह चीज़ या शख्स की तारीफ करता है ठीक दिस बोट इज़ ब्लैक ये बोट काला है अब यहाँ पे कौन सी चीज़ किसकी तारीफ कर रही है हैं ये बोर्ड मैं बनाती हूँ आपके लिए बना रही हूँ ठीक ये जो सामने बोट खड़ा है इस बोर्ड की तरफ इशारा कर रहे हैं हम तो यहाँ पे ये बोट किसकी तारीफ़ कर तो ये जो बोर्ड है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है ठीक है ये तारीफ़ किसकी कर रहा है ब्लैक का लफ्स बोट की सॉरी हिना इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल हिना खूबसूरत लड़की है ठीक अब यह ब्यूटीफुल क्या है यह एडजेक्टिव है और यह किसकी तारीफ़ कर रहा है ब्यूटीफुल का लफ्स हिना की मतलब नाउन की ठीक है इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है ये कैपिटल जो है ये इसमें सिफ है और ये तारीफ़ किसकी कर रहा है इस्लामाबाद मतलब शहर की राइट right. अब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव मतलब इसमें सिफ की एकसाम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब अच्छा या बुरा होना एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मदार शो करना ठीक पॉजिटिव एडजेक्टिव किसी चीज़ की किसी शख्स के साथ मलकियत होना इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव सवालिया इसम डिमानस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसमें इशारिया नो फोकस ऑन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी विच शो द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन थिंग और प्लेस ठीक है देखें अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है इट शोज द गुड एंड बैड हैबिट्स ऑफ अ नाउन ये किसी इसम की अच्छे या बुरी क्वालिटी को ज़ाहिर करता है हैबिट यहाँ पे क्वालिटी के तौर पे इस्तेमाल हुआ है द मैन हु इज़ स्टैंडिंग विध यू इज़ अ थीफ आदमी जो तुम्हारे साथ खड़ा है वो चोर है यहाँ पे थीफ जो है वो क्वालिटी शो कर रहा है किसकी आदमी की कि ये आदमी चोर है मतलब इसके अच्छे या बुरे होने को ये शो कर रहा है थीफ का लफ्ज़ जो है ये एब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी है अंडरस्टैंड माई टीचर इज़ वेरी काइंड मैन मेरा उस्ताद बहुत मेहरबान आदमी है अब ये वेरी जिसके नीचे मैंने एरो दिया हुआ है ये यह यहाँ पे एडजेक्टिव है ठीक है लेकिन इसकी क्वालिटी यहाँ पे क्या शो हो रही है काइंड जिसके नीचे मैंने दोबारा एरो बनाया है ये काइंड इसकी क्वालिटी है और ये किस की क्वालिटी शो कर रहा है काइंड का लफ टीचर की ठीक है कि मेरा उस्ताद जो है वो मेहरबान है तो ये काइंड जो है यहाँ पर यह क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है अंडरस्टैंड अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं एग्जेक्टिफ ऑफ क्वांटिटी मतलब मिकदार किसी चीज़ शख्स या जगह की बताएं ठीक है तो वो कैसे बताते हैं इट शोज़ द अमाउंट ऑफ़ नाउन किसी भी इसम की मकदार बयान करता है कि उस आदमी के पास दो किताबें हैं उसने थोड़ा खाया उसने ज़्यादा खाया इस किस्म के ठीक है इसम की मकदार को ज़ाहिर करता है थोड़ा बहुत चार पाँच छः इस तरह जितने भी आप लगा सकते हैं देयर इज़ वेरी लिटल वाटर इन दॉट पानी सॉरी बर्तन में पानी बहुत कम है तो लिटल जो है ये यह यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ठीक है सॉरी क्वान्टिटी है और वाटर जो है यहाँ पे नाउन है ठीक है ये बता रहा है कि कम पानी है किस में बर्तन में ही वॉन्ट सम शुगर फॉर टी उसे चाय के लिए थोड़ी चीनी चाहिए अब सम कलर्फ यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी है ठीक है ये मकदार बता शो कर रहा है अच्छा तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इससे पहले आया था पॉजिट पॉजिटिव पॉसेथ। तो पॉजिटिव मैं आपको एंड में बताऊंगी ठीक है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है जो डेफिनेटली यहाँ पे पता चल रहा है कि सवालिया है तो ठीक है विच इज़ यूज़ फॉर क्वेश्चन विच इज़ यूज़ फॉर क्वेश्चन आप ये मत समझे कि ये मैंने जुमला लिखा इसका मतलब है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव शोज़ विच इज़ यूज़ फॉर क्वेश्चन ठीक है पूरा जुमला ऐसा है हुज कार इज दिस ये गाड़ी किसकी है ठीक है तो ये हुज जो है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया और वेयर इज माई रेड रेड के आगे मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क है तो इसके आगे आप कुछ भी लिख लें शर्ट लिख लेते हैं वेयर इज़ माई रेड शर्ट मेरी रेड शर्ट किधर है या मेरी लाल कमीज किधर है ठीक है समझ आ गई अब यहाँ पे है डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसमें इशारा तो इसमें इशारा यहाँ पे क्या मतलब कि किसी चीज़ की तरफ इशारा करने को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं ठीक है पॉइंट टू समन और सम थिंग इस कार एडजेक्टिव ठीक अच्छा अब कैसे अब मैं इसको उर्दू में भी लिख के बता देती हूँ किसी भी सब की तरफ इशारा करने को इसमें इशारा कहते हैं सही फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज माई पेन ये मेरा पेन है तो माई जो है यहाँ पे डिमोस्ट्रे इशारा दे रहा है पेन की तरफ ठीक है ये मेरा पेन है दिस इज़ माई पेन ये मेरा पेन है और दिस चिल्ड्रन आर हर रिलेटिव ये बच्चे उसके रिश्तेदार हैं तो दिस किसकी तरफ इशारा दे रहा है हर की तरफ ठीक है पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है आप ये मैं आपको यहाँ पे मैंने कहा था ना लास्ट में बताऊँगी तो पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो किसी चीज़ का किसी किसी शख्स का किसी दूस किसी चीज़ का किसी शख्स के साथ मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है यूज़ टू शो इट डेट सम थिंग बिलोंग टू समवन ठीक है कोई चीज़ किसी शख्स के साथ नस्बत बनाने को या मलकियत बनाने के लिए इस्तेमाल होता है जैसे कि बुक मैंने बनाई है और इस बुक के ऊपर मैं लिखती हूँ आई अब आई का पोज हमारे पास क्या है आई का पॉजिटिव हमारे पास है माई आई मे और माई मेरा ठीक है इसके बाद है यू तुम तो यू का पॉजिटिव हमारे पास क्या है यूर तुम्हारा ठीक इसके है इसके बाद देखें यू का है यूवर्स और वी हम ठीक है वी कहते हैं हम को और वी का पॉजिटिव क्या होगा अवर ठीक है इसकी मलकियत का अल्फाज कौन सा है अवर शी वो लड़की की तरफ इशारा करते हैं और शी का पॉजिटिव हमारे पास क्या आएगा ठीक है जो शी की मलकियत को ज़ाहिर करे उसकी पॉजिटिव हमारे पास आएगी हर इसी तरह ही का हिज़ होगा इट का इट्स होगा दे का दियर होगा ठीक है अब यहाँ देखें दिस इज़ माई पेन ये मेरा पेन है तो ये माई जो है ये मलकियत जाहिर कर रहा है मेरा ठीक है माई पेन ये मेरा पेन है ये ठीक तो ये बता रहा है कि ये मलकियत ज़ाहिर कर रहा है माई दिस इज़ हर बैग ये उसका बस्ता है तो ये हर मलकियत जाहिर किस चीज़ की कर रहा है किसी लड़की की ठीक है कि ये किसी का बैग है ठीक है ये उसका बैग है ये बैग की तस्वीर बता रही तो ये हर पॉजिटिव है किसका बैग का ओके दोस्तों तो ये थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और काइंडली मेरे अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करना और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक भी कर देना ओके गुड बाय अल्लाह हाफिज़ फिर मिलेंगे